आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक थंबनेल इन मोबाइल फॉर गेम। इस वीडियो में मैं आपको एक माइनक्राफ्ट के थंबनेल को बना के दिखाने वाला हूँ, जो एक मतलब ट्यूटोरियल के हिसाब से होगा। जैसे आप किसी फार्म के ट्यूटोरियल दे रहे हो, तो उसके लिए आपको एक है ना एक फार्म जो आप फार्म बना रहे हो उसके साथ थर्ड पर्सन बैक करके कुछ इस टाइप से आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। जैसे मैंने ये कोब्लस्टोन फार्म बनाया, इसी तरह आप अगर कोई और फार्म बना रहे हो गोल्ड फार्म या कुछ और, तो उसकी मतलब जो उनसे चीज़ें मिलती है आपको वो चीज़ें एक चेस्ट में डाल के रख देनी है और उसके बाद उसकी एक स्क्रीन शॉट लेना। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना और सर्च करना है PIXELART आर्ट पिक्सल आर्ट, ये ऐप सर्च करनी है आपको। उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आपकी ऐप डाउनलोड होगी आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जैसे ही इस ऐप में आ जाओगे उसमें ऊपर तीन डॉट बनेंगे, उसको आपको दबाना है और इमेज साइज होगा उसको आपको दबाना है, तो कस्टम होगा, कस्टम से आपको यूट्यूब थंबनेल पे कर देना है और फिर आपको इसको ओके कर देना है, तो ये आपके यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद कोने पे आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको दबाना है और फ्रॉम गैलरी से आपको ना कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, जैसे मैंने जो चेस की ली थी उसको मैंने कर ली। उसके बाद आपको इसको सीधा करना है और उसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको इसको पूरी स्क्रीन पे लगा देना है ऊपर नीचे करके, और फिर आपको सेटिंग के बीच वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इसको आगे आगे करोगे तो आपको एक रेस का ऑप्शन दिखेगा और आपको एक मतलब इसे फिंगर से एक ना हल्का सा कट मार देना है। इसको पहले ऊपर वाले को एक बार आपको बढ़ा देना है ताकि वो ज़्यादा हो जाए बड़ा, तो आपको एक हल्का सा कट मार देना और बाकी सारे वो एरिया को रिमूव कर देना है पीछे की। उसके बाद आपको इसको टिक कर देना है और ये कुछ ऐसा बन जाएगा इरेज करके। फिर इधर से आपको बुक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी से दूसरी पिक्चर ले लेनी है, जो मैंने फार्म की पिक्चर ली थी वो मैंने ले ली है इसको। उसके बाद आपको इसमें जो बटन है बटन को काट के इसको ना ऐसे कुछ स्टेप से कर देना है, फिर आपको इसको टिक कर देना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आपको इसको पूरी स्क्रीन पे ऐसे कुछ स्टेप से करके कर देना है। इसके बाद आपको बुक के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पिक्चर को मिनिमाइज करना है दोनों फिंगर से एंड इसको नीचे की तरफ ला लेना है। और फिर आपको दोबारा बुक के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है और उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पे दोबारा दबाना, शेप करोगे तो आपको एक स्क्वायर जैसा मिल जाएगा। इसको आपको बिल्कुल पतला कर लेना है क्योंकि ये बीच की लाइन के लिए काम आएगा। उसके बाद आपको इसको टिक कर देना है और इसको साइड में लेके आना है और उसके बाद जो नीचे थोड़ा आधा सर्कल बनाना है उसको क्लिक करके थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा बन जाएगा। फिर आपको ये वाली जो ये जो मेरी स्क्रीन हिली इसको भी आपको है ना वो कर देना है लॉक, जिससे ये हिलेगी नहीं। उसके बाद आपको ये जो लाइन है इसको आपको सेट करना है, इसको नीचे जैसे ऐसे नीचे की तरफ करना है, फिर आपको इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बुक के ऑप्शन पे जाके इसको दोबारा लॉक कर देना है ये जो आपने लाइन बनाई थी। उसके बाद आपको इसको सेव करने के लिए ऊपर जो कोने पे एक फाइल का बटन दिख रहा है इसको आपको दबाना है और उस पर आएगा सेव टू सेव एन इमेज और उसको आपको ना ये फ्रॉम गैलरी पे कर देना है। तो इस तरह आपका यूट्यूब थंबनेल बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।